हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सिंह और हम जा रहे हैं खुर्जा से केदारनाथ बाय रोड। तो हम लोग पहुंच गए हैं सुबह की पहली किरण के साथ हरिद्वार। हरिद्वार से हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ, ऋषिकेश की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं, ये देखिए मनमोहक नज़ारा हरिद्वार का है। अभी लोग हम हैं हरिद्वार में, हरिद्वार से ये ब्लॉक शुरू किया है। ये रहे हम, जैसा वीडियो बना दी ये रहा हरिद्वार शहर, कहाँ गंगा जी। चलो चलते हैं भाई, वो मनसा देवी मंदिर दिख रहा है, देखो सामने मनसा देवी का मंदिर है वो। खुर्जा जो है बुलंदशहर में पड़ता है हमारा, पॉटरी सिटी के नाम से मशहूर है। यहाँ से हम जा रहे हैं छोटे से कस्बे से केदारनाथ के लिए। 500 किलोमीटर का है रास्ता, कम से कम 12-13 घंटे का सफर है। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण। दोस्तों हरिद्वार क्रॉस हो चुका है, लगभग निकल गए हैं हरिद्वार से। आगे चलते हैं ऋषिकेश की तरफ। ये जो रास्ता है जो बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत ही मनमोहक नजारा है यहाँ का। दोनों तरफ से निकल रहे हैं भाई, और यहाँ से निकल के ये देखो ऋषिकेश की भीड़ में आ गए। सुबह सुबह अगर यहाँ पे लेट हो जाते 2-4 घंटे लग जाते हैं। अगर सुबह 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 के 7 बजे हुए, हम ज़्यादा लेट तो है नहीं। सुबह 7 बजे भीड़ देख लो आप कितनी है इसमें। चलो जी ऋषिकेश हो गया पार, पहाड़ों की दुनिया में स्वागत है आप। अब यहाँ से और केदारनाथ तक फिर पहाड़ी मिल जाए भाई। और एक दिखाएंगे आपको कर्णप्रयाग में, वो संगम है ना, तो नदियों का मेल दिखाते हैं, इंद्रावती और वो दूसरी का नाम सरस्वती है शायद। ये देखो बंजी जंपिंग के लिए है भैया, सबसे छुटियापा ना यही है, 5500 रुपये दो डरने के लिए, क्योंकि तो डरना ही है इसमें। 5500 रुपये खर्च करके ये स्टैंड बना रखे हैं बंजी जंपिंग के। ये ऋषिकेश में ही है शिवपुरी से पहले, ये भी यार अजीब ही चीज है। आदमी डरने के लिए पैसे खर्च कर रहा है, अभी पहाड़ से लटक जाओ डर खत्म हो जाएगा। रोड जो है यहाँ के देखो वो बड़ी हो रखी है, इसी केस में लैंड स्लाइडिंग ज्यादा है थोड़ी। शिवपुरी की तरफ ऊपर जाते हैं जब, जगह जगह लैंड स्लाइड हो रखी है, तो घर पे आराम से चले। ये देखो संगम दिखाते हैं आपको, वो एक दूसरी आ रही है और इधर से दूसरी है, दोनों का कलर देख लो बिल्कुल अलग है। आगे जाके दोनों एक ही होने वाली है। चलो चलते हैं भाई बिना देरी करे, हमें अभी बहुत ट्राई करना है। देखो कितने बड़े बड़े पत्थर आगे गिरे हुए हैं। आप आ रहे हो इधर केदारनाथ की तरफ तो आराम से बहुत प्यार से पहुंच गए भाई, क्योंकि यहाँ का भरोसा नहीं है कहाँ क्या मिल जाए। थोड़ा ध्यान से, थोड़ा आराम से, हमें जाना है रुद्रप्रयाग की तरफ। अब तेरा हुक्म
रोड सही है, रोड बेकार नहीं है इतना। रोड में कोई कमी नहीं है। सुबह के चले हुए भाई और शाम तक चलना भी काफी दूर है, क्योंकि पहाड़ों में जो 100 किलोमीटर है ना, कम से कम 3 घंटे का रास्ता होता है, तो हमें करीब 250 किलोमीटर जाना है, तो 6 घंटे तो मान लो। नजारे देखो आप आगे कितने खूबसूरत नजारे हैं। ये हम देवप्रयाग के ऊपर चले गए रुद्रप्रयाग की तरफ। हावी शेर जीता लकड़ बग्गा तुम्हारी असली जगह वहाँ आदमी में रहना भूल जाओ, यहाँ आ जाओ पंछी हो। इंस्टा का चल रहा है ट्रेंड, उसके लिए थोड़े 200 मनमोहक नजारा एकदम शाम के। भैया 4 बज चुके हैं, गाड़ी चलाते चलाते हैं 4 बजे बिना अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब रोड की हालत देखना, अभी कितनी पिस्ता आना है। इस नदी के बराबर बराबर में हमें जो है पहुंच जाएंगे। ये देखो क्या हाल हो रखा है, लैंडस्लाइड हो रखी है भाई जगह जगह। गाड़ी लेकर आप आ रहे हो तो बड़े ध्यान से भाई, बड़े ध्यान से चलना है। ये है भाई आपका इसका रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग क्रॉस कर रहे हैं। रात हो गई भैया, अब होटल ले लेते हैं, कहीं पे रुक जाते हैं। सोनप्रयाग के आसपास हम पहुंच गए फाटा। फाटा में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हुई है इस रोड पे, जगह जगह मतलब फाटा पे बंद हो रखा है, घंटों का लंबा जाम है। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।